दो टाइम टी डी बटे वन माइनस टाइम का टी डी। इसको हमें हल करके चार हमें ऑप्शन दे रखे हैं, उन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है जिस तक पहुंचना है। इसको हमें सरल करना है, तो जो भी बटे में दे रखे हो उनको सरल करने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, हाँ, कोई समस्या और भाग के बाद वाले में ब्रेक दो टेन तीस का मान एक बटे वर्ग रूट तीन भाग वन माइनस एक बटे वर्ग रूट तीन का वर्ग कितना दो दो बटे वर्गमूल तीन भाग करेगा इसे एक माइनस एक बटे तीन क्योंकि एक का वर्गमूल एक होता है और वर्गमूल तीन का वर्ग तीन। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई वर्गमूल तीन का वर्ग जो है वो तीन क्यों हो जाता है। कुछ बच्चों को ऐसे समझाया गया कि वर्गमूल तीन की वर्गमूल तीन से गुणा करो तो वर्गमूल तीन गायब हो जाता है, कोई वर्गमूल गायब हो जाता है। कुछ बच्चों को ऐसे समझाया गया कि भाई ये तीनों अंदर आ जाते हैं, एक में जोड़ा बन जाता है और एक बाहर निकल जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चों ने तीन की घात दो बताओ कितना होता है, तीन की घात तीन बताओ और तीन की घात चार और तीन की घात एक बटा पांच या तीन की घात एक बटा दो या तीन की घात एक बटा तीन या तीन की घात एक बटा चार। अगर एक बटे में घात तब कैसे निकले, तब तो हल हो ही नहीं पाएगा। तो एक बटा वाला जो सिस्टम है उसके लिए ये बनाया गया, इसको कहते हैं करणीय चिन्ह। क्या कहते हैं? और यहाँ पे लिखते हैं हम कुछ ना कुछ, इसे कहते हैं करणीय घात। तो करणीय चिन्ह का मतलब समझिए, एक ही घात अगर एक बटा एम लिखा है तो इसको लिखने का तरीका है करणीय चिन्ह लगाओ अंदर ए लिख दो और जो भी एक बटे में वो इसकी करणीय घात। तो तीन की घात एक बटा दो है तो करणीय चिन्ह लगाओ तीन लिखो और करणीय घात कितनी होगी दो। करणीय चिन्ह लगाओ तीन करणीय घात तीन और ये कैसे लिखेंगे तीन करणीय घात। और अगर कहीं एक ही घात एन बटे एम है तो करणीय चिन्ह लगाओ एम लिखो तो यहाँ क्या बचेगा एक ही घात। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर। अगर कहीं पर घात की घात है तो वो आपस में गुणा हो जाती है, ये भी हम बता चुके हैं ना, घात की घात होगी तो आपस में गुणा हो जाएगा। अब आते हैं हम यहाँ पर तीन की घात दो और करणीय घात। ये तीन की घात दो करणीय घात का मतलब तो एक बटे घात होगी, करणीय चिन्ह लगा है और ये करणीय घात दो लगी है, ये तभी आई होगी जब इस संख्या की घात एक बटे दो होगी क्योंकि करणीय चिन्ह आते तब है जब एक बटे घात होगी। घात की घात की हो जाती है गुणा और दो से दो कट के आ गया एक तीन की घात एक। तो हम देख रहे हैं कि करणीय घात दो तीन की घात दो कितना निकल जा रहा है। और अगर दो नहीं लिखा है तब भी करणीय घात को दो ही माना और दो के अलावा अगर कोई करणीय घात है तो किताब में लिख के दिखाएगा और अगर कहीं कोई करणीय घात नहीं लिखी है खाली वर्गमूल लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि इसकी करणीय घात कितनी है। बात समझ में आ गई। अब इस बात को आप कैसे भी समझ लीजिए कि वर्गमूल तीन की घात दो तीन आ रहा है, अब इसे आप कैसे समझेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है समझाने वाले। असली मुद्दा तो यही है इस तरह से हल हो के आता है। अब चाहे मैं ऐसे समझा दूं कि बेटा वर्गमूल में तीन दो बार गुणा हो रहा है तो एक बार बाहर निकल लो, गलत थोड़ी हो जाएगा। चाहे मैं ये कह दूं कि वर्गमूल लगा है तीन की घात दो है वर्ग से वर्गमूल कट के तीन आ जाता है, कई बार मैं ऐसे भी कह देता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारी बातें मैं छुपा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर सारी चीजें बता दी सवाल का हल करेंगे, ये सब छठे सात में आठ में आपने सीखा। तो इस वर्किंग को आप अपनी डायरी में जो बनाई होगी ठीक है उसमें नहीं बनाई तो बना लेना, ये वर्किंग नोट करें। आगे से आपको ये पता लग गया होगा कि वर्गमूल में अगर कोई संख्या की घात दो है तो वर्ग से वर्गमूल कटता है, इसलिए कटता है, इसको रटने की कोई आवश्यकता आज के बाद नहीं। अब हम यहाँ आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे एक का वर्ग एक और वर्गमूल तीन का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल इसलिए कट जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया भाई दो बटे वर्गमूल तीन, इसको भाग करना है तीन ले लो एलसीएम, एलसीएम लेने का तरीका बटे एक। और सबसे अच्छा तरीका तो ये इसका हर तीन है, इसका हर भी तीन बना दो, कैसे बनेगा
अरे इसको ऊपर नीचे तीन से गुणा कर दो, तीन से गुणा करने का अधिकार है हमारे पास, तो तीन एलसीएम आ गया, तीन माइनस एक कितना आ गया, दो बटे परमोल तीन को भाग कर रहा है एक बटा तीन, दो बटा तीन, तो दो बटा वर्गमूल तीन भाग कर निशान में गुणा बचे तीन बटा दो, तो एकदम जब आप वर्गमूल तीन की घात दो को तीन लिख सकते हो, तीन की घात दो का वर्गमूल का मतलब है तीन गुणा तीन, और इसका मतलब है वर्गमूल तीन गुणा वर्गमूल, इसको ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, और इसको ये लिख सकते हैं, तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं, ये भी आप हमेशा के लिए याद रखना, कोई संख्या है तो उसको हम लिख सकते हैं वर्गमूल लगा के उस संख्या की दो बार, कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा। तो हम इस तीन को लिख सकते हैं वर्गमूल तीन गुणा वर्गमूल तीन, और ये है वर्गमूल तीन, और वर्गमूल तीन से वर्गमूल तीन एक बार करके उत्तर दिख रहा है। ये सब आपके समझाने के लिए था, ये सारा मटेरियल, इसका सवाल से कोई मतलब नहीं, ये केवल आपको समझने के लिए था, आप अपने हिसाब से समझ के सुनो। तो आपने देखा इसका उत्तर कितना आया वर्गमूल, लेकिन इसने सवाल को घुमाया है, इसने सवाल को घुमाया है, और ये घुमा के कह रहा है कि भाई चार ऑप्शन है, cos 60 tan, sin 60 tan 60 tan 30, बताओ इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप सोचो वर्गमूल तीन टेबल जो थी हमारी, उस टेबल में किसका मान है tan 60 का है, तो जब हम tan 60 को वर्गमूल तीन लिख सकते हैं, तो वर्गमूल तीन को भी tan 60 कह सकते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मयंक। तो मयंक गंगवार ये है, तो ये कौन है, है ना, तो tan 60 वर्गमूल तीन है, तो वर्गमूल तीन कौन है, कितना कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला पार्ट वर्गमूल तीन निकल जाएगा, देखो पहला वाला तो वैसे हो जाएगा, यही तो सवाल है पहले भी, है ना, तो फिनिश, आगे बढ़ते हैं। आज सीखेंगे त्रिकोण विधि अनुपातों के कोटि पूरक कोणों में समान, क्या होते हैं कोटि पूरक कोण, जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, ऐसे कोणों को कहा जाता है कोटि पूरक। कब से कहा जाता है, 2003 से, 2008 से, या हमेशा से? हमेशा से। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें कोटि पूरक कहते हैं, और जब तक पृथ्वी का अंत नहीं हो जाएगा तो कल तक याद रख लेना, कल मैं तुमसे पूछूंगा कि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या कहते हैं, कोटि पूरक, सब लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, शुरुआत ही से करते हैं हमेशा, चलो देखिए, एक कोण ए, एक कोण बी, और एक कोण सी, इसका नाम थीटा रख दो, अरे जिसका कोई नाम नहीं, कोई ना कोई नाम तो रखते हैं, है ना, थीटा रखते हैं, एक 90 है ही, इधर तीनों कोणों का योग निकालना, और बी 90, और ये थीटा बराबर 180, कोण ए का मान कितना है, तो ए वाला कोण कितना हो गया, नब्बे माइनस थीटा, तो देखना ए और सी को जोड़ के कितना आ रहा है, ये और सी को कोण सी को जोड़ लो कितना आ रहा है, के संबंध में आज हुआ है, और कल जो है अवकाश रहेगा, 18 तारीख को शूट होगा, 18 और रविवार है तो 19 को शूट होगा, 90 आ रहा है, तो ए और सी कैसे कोण हो गए, तुम तो अभी भूल गए, 5 मिनट नहीं लगे, कोण ए प्लस कोण सी निकालोगे, कोण ए का मान 90 माइनस थीटा, कोण सी का मान थीटा, कितना आ रहा है कोण, तो कोण ए व कोण चौंच बनती है इसकी, कोण ए व कोण सी
कैसे कौन है? कोटी पूरा कौन है? यहाँ तक बताओ, किसी को समझ में नहीं आया होगा? सबको आ गया? तुम फिर ऐसे करने लगे? चलिए, तो ये कौन कितना हो गया? 90 माइनस कितना हुआ ये? चलो ऐसा करो, साइन सी बताओ कितना है? साइन सी बी सी बटे ए और कॉस ए बताओ कितना आएगा? ए सी बटे डी सी। टेन सी बताओ कितना आएगा और कॉट ए बताओ? साइन सी आएगा कितना? ए बी बटा और कॉस ए बी सी बटे ए सी। कॉस ए दिमाग लगा के बोला, कॉस तो आधार बटे कर्ण होता है, तो ए के लिए ये लंब होगा तो आधार कौन होगा? ए बी बटा, यानी दोनों ही बराबर आ रहे हैं। कौन? साइन सी बराबर कॉस ए। साइन सी का मान थीटा, कॉस ए का मान थीटा, आ गया संबंध निकल के। ऐसे ही साइन ए कॉस सी निकाल लो, साइन ए यानी जिन कोणों का योग 90 आ रहा है उनके लिए निकाल के देखना, आप देखोगे वो कोटि पूरक वाले जो होंगे वो आपस में बराबर आएंगे। ऐसे टेन सी कितना आएगा? ए बी बटा बी सी। कॉट ए कितना आएगा? कॉट ए, कॉट होता आधार बटे लंब, ये भी आपका ए बी बटा बी सी। तो यानी हम साफ साफ देख रहे हैं टेन सी किसके बराबर आ गया? टेन सी बराबर आ गया कॉट ए, दोनों ए बी बटे बी सी के इक्वल। टेन सी का मान क्या है? सी का मान थीटा और ए का मान 90। ऐसे sec और cos के लिए निकाल लोगे तो छह संबंध निकलेंगे। sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर निकाल ही दिया हमने cos थीटा tan 90 माइनस थीटा, sec थीटा cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा sec 90 माइनस थीटा। ये आप सब निकाल कर जब सोमवार को आएंगे यहाँ तक का काम मैं चेक करूंगा और ये सब फॉर्मूले पूछूंगा, ठीक है?